नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड पेशेंट की जांच करने में और कोविड पेशेंट को L1 या L2 लाने तक भारी लापरवाही कर रहे हैं। आज दो मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें कोविड पेशेंट की जांच बिना PPE किट पहने स्वास्थ्य कर्मी करते दिखाई दिए। साथ ही एम्बुलेंस चालक सह चालक भी बिना PPE किट पहने कोविड पेशेंट को लाते और स्वीकार करते दिखाई दिए। CMO का कहना है कि दोनों ही तरीके से गलत है, दोनों मामले में कार्रवाई की जाएगी, इनको चेतावनी दी जाएगी कि साथ ही इनको ट्रेनिंग देकर दोबारा ट्रेन किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्यकर्मी, जांच करने वाले व एम्बुलेंस कर्मचारी की परिवार सहित जांच भी की जाएगी। पेशे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र चौहान है। योगेंद्र जी, आप कैसे पेशेंट लेके आई हैं? कोविड पेशेंट, कोविड के। आपके पास किट नहीं है, क्या बात है? किट है लेकिन किट कुछ कम आ रही है किट, इसलिए मुहैया ना हो पा रही है। तो आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं बिना किट के? हाँ जी। तो सभी एम्बुलेंस ऐसे ही कर रही है बिना किट के काम? ऐसा नहीं है। ना ऐसा नहीं है, सबके पास किसको मिल जाती है, नहीं है। क्या किट नहीं मिल पा रही है आप लोगों को? हाँ ऐसा है, मिल जाती है किट, ऐसा कि नहीं है कि नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग भी अब कोरोना से डरते नहीं है इसलिए ऐसे ही चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है, पहननी जरूरी है लेकिन कर लेते हैं काम ऐसे ही, कोई ऐसी हो नहीं। ये जो एम्बुलेंस वाले बिना PPE किट के अगर कोविड पेशेंट ला रहे हैं या कोई जांच कर रहा है कोरोना की, ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं, क्योंकि अपने आप से खेल रहे हैं, जोखिम का काम कर रहे हैं। इनको चेतावनी जारी की जाएगी और दोबारा से इनको IPC की ट्रेनिंग कराई जाएगी प्रोटेक्शन के केयर के लिए, जिससे कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करें। यह अपने लिए बहुत नुकसानदायक है, अपनी फैमिली के लिए नुकसान कर सकते हैं और औरों को नुकसान कर सकते हैं। क्या जो जांच कर रहे हैं या जो एम्बुलेंस में लेकर, इनकी जांच भी होगी कि नहीं? दोनों की ही जांच की जाएगी, बिल्कुल जांच की जाएगी।